हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विजिट कराऊंगा एक फ्लोर अंसल के वर्सालिया में, जिसका साइज है 270 गज का। ये 5 सीसिंग रहने वाला है और मैं भी एंट्रेंस पर खड़ा हूँ अभी। जो ये 270 गज का फ्लोर है, मैं आपको इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो काम है ना, वो बहुत ही अच्छा हो रखा है। आप जैसे देख भी पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, स्टेयर केस में आपको काम मिलेगा। यहाँ पे ग्रेनाइट का वर्क है, बाकी में ग्रेनाइट का वर्क बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ मिलेगा। एक बार पहले टॉर कर लेते हैं, फिर इसका डिस्कस करते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले ये आ जाता है आपका पूजा रूम। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे होटल जो आपको जितना भी ये वर्क दिख रहा है, ये बिल्डर आपको करा कर देता है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये छोटा सा पैसेज हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एरिया, और ये हो जाता है आपका लिविंग एरिया। जो लिविंग एरिया, इसमें पूरी आपकी मॉडलिंग, फॉल सीलिंग, सीन लाइट्स, इवन चैंडेलियर्स एंड फॉल सीलिंग जो आपको ये दिख रही है, ये बिल्डर आपको करा के देगा। फिर जैसे ये एंट्री के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक किचन मिल जाती है। आपकी एक यू शेप में किचन है, काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा साइज निकल के आता है। ये 270 गज का है, बट मैंने आपको 300 गज के भी विजिट करा रखे हैं, बट इतना अच्छा साइज नहीं आता है। जो सारा काम आता है, इवन पेंट्री, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारा कुछ आपको बिल्डर करा के देगा। अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ये सारा कुछ आपको बिल्डर यहाँ पे करा के देता है। तो ये आपका हो जाता है किचन। तो किचन का साइज अच्छा है, अप्लायंसेस आपको पूरे मिलते हैं। और अब हम चलते हैं इसके रूम की तरफ। तो ये देखिए, जो दो की हाइट है, बहुत ही अच्छी हाइट की रखी है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं, तो आपको 12x14 का एक रूम मिलता है विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आपका जो फिटिंग्स है, आपको एज इट इज मिलने वाली है। ग्लास जो पार्टीशन है, ये भी आपको मिलेगा। इवन गीजर यहाँ पे आपको बिल्डर देता है। जैगवार की फिटिंग मिलने वाली है। इसमें चार कमरे हैं, चार कमरों में से तीन में आपको अटैच वॉशरूम मिलते हैं और तीन में आपको वार्डरोब मिलते हैं। जो एक चौथा रूम है, छोटा रूम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो छोटा वाला रूम है, उसमें आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलता है। इसको आप स्टडी काउंट कर सकते हो। ये देखिए, ये हो जाता है आपका स्टडी। इसको आप स्टडी में काउंट कर सकते हैं। इसका जो साइज है आपका 10x9.5x11 का साइज हो जाता है आपका। अब आ जाते हैं इसका, जो कि आपका एक सेकेंड रूम हो जाता है। जैसे कि आपको पिछले रूम में मैंने देखा, डोर भी जो है बहुत अच्छी देखते हैं। ये हो जाता है आपका रूम, 12x13 का रूम है। अटैच वॉशरूम है, आपको वॉशरूम सारी फिटिंग्स मिलती है। वॉशरूम आपको आपके जो भी यहाँ पे कमरे हैं, उन्हें वॉशरूम आपको इंस्टॉल कर रखा है। सीलिंग लाइट्स, और आपकी ये हो जाता है आपका एक अटैच वॉशरूम, जो कि यहाँ से आप इसको कॉमन में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके एज ए वार्डरोब रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसका मास्टर बेडरूम, जो कि साइज बहुत ही ग्रैंड दे रखा है। मेटर ने वार्डरोब की 3 डोर्स भी दे रखी है, वुडन फ्लोरिंग मिल गई है, इतनी अच्छी फॉल सीलिंग करके मिल गई है, बहुत ही अच्छा डेवलप कर रखा है। एक बार इसका वॉशरूम देखो, वॉशरूम में कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको जो आपकी फिटिंग्स और आपका जो ग्लास पार्टीशन है, ये सब कुछ चार और आपके ये कुछ सब कुछ हो जाता है। तो ये था 270 गज का आपका पूरा फ्लोर। आगे पीछे दोनों तरफ से बालकनी आपकी रनिंग रहने वाली है। ये हो जाती है आपकी बालकनी। ये आपका जो मैंने रूम दिखाया था, दूसरा वाला जिसमें अटैच वॉशरूम था कॉमन वाला, वहाँ से करें। और ये आपकी पूरी बालकनी है, लगभग 6 फुट की इसकी वेट है। और अगर मैं बात करूँ उस फ्लोर की, ये आपका 5 फीसिंग रहने वाला है। तो पार्क के साथ साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से रहेगा। कि जैसे ही एंट्री करते हैं, तो एंट्री के जस्ट बाद में किचन है। किचन के उस तरफ में जो बालकनी है, पूरी आपकी 6 फुट हाइट जो बालकनी है, उसके सामने देखते हैं आप, तो आपको पूरा पार्क मिलता है। तो ये देखिए, ये है आपका पूरा पार्क। ये 2 एकड़ का एच ब्लॉक का पार्क है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ, ये अरादे होम्स की डेवलपमेंट है। और इस तरफ में आप देखोगे, यहाँ पे CBS और पितरछाया की डेवलपमेंट है। तो ये जो आपका फ्लोर था, मैंने आपको दिखाया, ये पूरा 270 गज का फ्लोर था।
और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट कर रखी है। अगर मैं अब प्राइसिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो प्राइसिंग यहाँ पे अप्रोक्स मान के चलो 2.10 की रहने वाली है, और इसमें PLC GST ये सारा कुछ इंक्लूड है। तो होप यू एंजॉय माय वीडियो, थैंक यू गाइज़।